हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थानी चित्रकला यानी राजपूत शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में फाइन आर्ट से संबंधित जितने एग्ज़ाम्स हैं जैसे UGC नेट GRF, TGT PGT, LT ग्रेड, KVS, NVS, DSSSB, इन सब से संबंधित क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपके साथ मैं अभी डिस्कस करूँगी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से भी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और फाइन आर्ट से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, नोट्स की PDF है, वो सारी उस ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? ऑप्शन है निहाल चंद, मौलाराम, मनकू, नैनसुख। उसका राइट आंसर है डी, नैनसुख। फ्रेंड्स, ये UGC नेट के एग्ज़ाम में 6/12/2019 में आया हुआ था। ये पहाड़ी शैली के चित्रकार नैनसुख ने जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? ऑप्शन है कपड़े पर टेम्परा, कैनवास पर एक्रेलिक, कैनवास पर तैल रंग, डी है कागज पर पानी के रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़े पर टेम्परा, यानी गोपिनी की चित्रकारी की गई है कपड़े पर टेम्परा से। हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। गोपिनी चित्रकारी का माध्यम कपड़े पर टेम्परा है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला मुगल राजपूत युद्ध के चित्रकार द्वारका प्रसाद शर्मा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला डिजॉल्विंग लाइफ के चित्रकार परमानंद चोयल हैं, इसको भी नोट करते चलें। शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण के प्रसंग के चित्र नई दिल्ली में बिड़ला हाउस में गांधी जी की जीवन की विभिन्न झांकियाँ के विशाल भित्ति चित्र किसने बनाया? कृपाल सिंह शेखावत ने अंकित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्र मोर के चित्रकार देवकी नंदन शर्मा हैं। देश में पक्षी चित्रण में अग्रणी रहे देवकी नंदन शर्मा। फिर है प्रसिद्ध चित्र गड़गौर की सवारी, जौहर ज्वाला, राणा प्रताप, पन्नादाई। पुरस्कृत चित्र के चित्रकार गोवर्धन लाल जोशी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र कृष्ण गोपियों के साथ काव्य श्रृंगार, सीता हरण, ताड़का वध, पार्वती परीक्षा का दर्शन प्रसिद्ध चित्र राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप नोट करते चलें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित हैं? ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़, बूंदी। राइट आंसर है बूंदी। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा राजस्थानी चित्रकारी के बूंदी लघु चित्र शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 18वीं शताब्दी का टेम्परा माध्यम में बूंदी शैली राजा अनिरुद्ध हीरा हांडा के चित्रकार उत्कल राम द्वारा चित्रित किया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी की टेम्परा माध्यम में बूंदी शैली का राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा के चित्रकार उत्कल राम द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासक के निर्देशों से दक्षिण के युद्ध में भाग लिया जिससे बूंदी शैली पर दक्षिणी शैली प्रभाव समाविष्ट हुआ। नेक्स्ट है, जंगली सुअर का शिकार करते हुए राव उम्मेद सिंह उमा महेश्वर के पूजन, कृष्ण के बंसी वादक, हिंडोला रागनी, भैरवी रागनी, राग दीपक,
दूज का चांद देखते प्रेमी युगल बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बूंदी शैली के चित्र अपनी निजी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध और राजस्थानी कला शैलियों में अपनी मौलिकता के कारण चर्चित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन है जोधपुर लघु चित्र स्कूल, कोटा लघु चित्र स्कूल, मारवाड़ लघु चित्र स्कूल, डी नंबर है जयपुर लघु चित्र स्कूल। तो इसका राइट आंसर है बी, कोटा लघु चित्र स्कूल। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राजस्थानी कला में कोटा में शिकार के दृश्य मुख्य रूप से दिखाए गए हैं। इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लें तो राजस्थान लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य चित्रकारी के प्रख्यात कोटा लघु चित्र स्कूल है। कोटा शैली की खोज 1952 में कर्नल टीजी गेयर एडर्सन ने की। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़ौती शैली की दूसरी शैली कोटा शैली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोटा स्कूल की विशेषता शिकार के दृश्य हैं। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल राजा उम्मेद सिंह के समय माना जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। फिर है, राजस्थान के कोटा शैली में नाटकीय बादलों का अंकन किया गया है। कोटा शैली के चित्र राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए, हाथियों की लड़ाई, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोचारण, माखन लीला, वीड़ाधारी कृष्ण राधा के पास, तो सब कहाँ के चित्र हैं? कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कोटा शैली में हरे रंग के पृष्ठभूमि पर गुलाबी रंग और भूरे रंगों का समन्वय है। अधिकतर बॉर्डर यानी कि हाशिया जो बनाया जाता है, बॉर्डर लाल और नीले रंग से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सवई जयसिंह द्वितीय, सर एडविन लुटियन, राजा जगत सिंह कार्बूजियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सवई जयसिंह द्वितीय। फिर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवई सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता है, ये वास्तुकार हैं जिनका नाम है जैता। और फ्रेंड्स जो विजय स्तंभ है ये बनवाया था राणा कुंभा ने, जो स्थित कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट है, जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर में स्थित जंतर मंतर जिसे कहते हैं वेदशाला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 1 अगस्त 2010 में शामिल किया। और महाराजा सवई सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया, जैसे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है, जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी की मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा बीएम बिड़ला तारा मंडल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थापत्य हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है नूरुद्दीन, उत्कल राम, साहबदीन दाना। तो इसका राइट आंसर है ए, नूरुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन है 17वीं सदी ईस्वी, 16वीं सदी ईस्वी, 15वीं सदी ईस्वी, 14वीं सदी ईस्वी। राइट आंसर है बी, 16वीं सदी ईस्वी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस लघु चित्र शैली में देदी प्यामान यानी आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों के निश्चित बाह रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं?
ऑप्शन है मुगल शैली, मध्य भारतीय शैली, दक्षिणी शैली, राजस्थान शैली। राइट आंसर है डी, राजस्थान शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है। ऑप्शन है शेख सादी द्वारा रचित, माधोदास द्वारा रचित रागमाला, विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका, केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया। तो इसका राइट आंसर है सी, विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। ऑप्शन है अनूप सिंह, गज सिंह, राव राय सिंह, राजा केसरी सिंह। राइट आंसर है बी, गज सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था। ऑप्शन है राग रागनी, संगीत दृश्य, बारहमासा, शिकार दृश्य। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि कोटा शैली से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, शिकार दृश्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है। ऑप्शन है राजस्थानी, मुगल, मेवाड़, बूंदी। इसका राइट आंसर है सी, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते थे, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है बूंदी, जयपुर, कोटा, बीकानेर। राइट आंसर है सी, कोटा। नेक्स्ट है, चित्रकारी का दक्षिण शैली या फिर स्कूल किसके समकालीन है। ऑप्शन है जैन चित्रकारी, मुगल चित्रकारी, राजस्थानी चित्रकारी, कंपनी चित्रकारी। राइट आंसर है बी, मुगल चित्रकारी के ही ये समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। ऑप्शन है मेवाड़, कांगड़ा, बसौली, जयपुर। राइट आंसर है सी, बसौली। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है दिल्ली कलम, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम, जयपुर कलम। राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर कलम। नेक्स्ट है, चौर पंचाशिका जिसे चौर पंचाशिखा भी कहते हैं, श्रृंखला किसकी आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला। राइट आंसर है डी, राजस्थानी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्व्याप्त चित्र कौन सा है। ऑप्शन है सुंदर महिलाएं, कृष्णा, योगिनियां, दुर्गा। राइट आंसर है कृष्णा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को पता है कि राजपूत चित्रकला यानी राजस्थानी चित्रकला का जो विषय है वो है कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली स्कूल की चित्रकलाओं की ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ऑप्शन है जोधपुर शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, डी ऑप्शन है गुलेर शैली। राइट आंसर है ए, जोधपुर शैली। ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSSB में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाया जाना माना जाता है। ऑप्शन है जयपुर, किशनगढ़, कोटा, जोधपुर। तो आप सभी लोगों को आंसर पता होगा कोटा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है शिकार का दृश्य। ये UGC नेट के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थानी की कोटा शैली में शिकार विषय पर मुख्य रूप से चित्र बनाए गए हैं। कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में इस शैली की बड़ी उन्नति हुई।
उम्मेद सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था। अतः उम्मेद सिंह कोटा झालवाड़ मार्ग पर स्थित सघन वनों में शिकार करने जाते थे। उनके समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों की भरमार लगा दी और राजमहल की भित्तियों पर भी शिकार के सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बने हैं। इस समय के प्रमुख चित्रों में लच्छीराम, रघुनाथ तथा नूर मोहम्मद आदि उल्लेखनीय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विकता की जन्मशती 2014 में मनाई गई? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर आर एल स्टेन, सर मोर्टाइमर व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनकी जन्मशती 2014 में मनाई जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म हुआ है 23 जनवरी 1814 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 28 नवंबर 1893 ईस्वी में और इनके जन्मशती मनाई जाती है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला इतिहास ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? ऑप्शन है बी एन गोस्वामी, मनोहर कौल, एम एस रंधावा, ई वी हेवेल। राइट आंसर है ए, बी एन गोस्वामी ए इज द राइट आंसर। फिर है, भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को कला इतिहासकार बी एन गोस्वामी ने पहचाना था। पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर वी एन गोस्वामी ने अपने शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं बल्कि गुलेरवासी चितेरा सेउ के वंशजों के आधार पर पली और बढ़ी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राजनैतिक दृष्टि से जम्मू के रजनी देव 1735 से 1781 ईस्वी व कांगड़ा के घमंड चंद 1791 से 1774 ईस्वी पहाड़ी रियासतों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चले, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, सही मिलान। सबसे पहले हैं निहाल चंद, तो निहाल चंद संबंधित हैं किशनगढ़, मौलाराम, गढ़वाल शैली, साहिब राम, जयपुर शैली, निसारदीन, मेवाड़ शैली। इसका राइट आंसर है बी, पहले का तीसरा, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। बी इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, निहाल चंद जो हैं किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, जिन्होंने बनी ठनी बनाया था। नेक्स्ट है मौलाराम, गढ़वाल शैली, साहिब राम, जयपुर शैली, निसारदीन, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली की कौन सी शैली में चित्रकार विषय पर आधिक्य में चित्रण हुआ, यानी अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? ऑप्शन है जयपुर शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली। राइट आंसर है बी, कोटा शैली। कोटा शैली से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कोटा शैली में ज़्यादातर किसका दृश्य है, शिकार के दृश्य हैं। फिर इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राजस्थानी शैली की उपशैली कोटा शैली के शिकार पर अधिक के चित्रण हुआ। कोटा कला के मुख्य आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई और उम्मेद सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था। राजा उम्मेद सिंह के समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार चित्रकारों ने शिकार के दृश्यों को बखूबी चित्रित किया और राजमहल के भित्तियों पर शिकार के सुंदर चित्र कोटा और ठेठ शैली में भी बने हैं। इसके पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी दिया हुआ है कि कोटा शैली के चित्रकारों में लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद रहे। और कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रण की अगर हम बात करें तो सबसे उत्कृष्ट भित्ति चित्रण है झाला जी की हवेली। राजमहल तथा देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं
और राग रागिनियों के साथ नायिका भेद का भी चित्रण कोटा शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार निसारदीन किस शैली से संबंध है? ऑप्शन है राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, जैन शैली। राइट आंसर है ए, राजस्थानी शैली। इसके पहले भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि निसारदीन जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो संबंधित हैं मेवाड़ शैली से, जो राजस्थानी कला के ही शैली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, चित्रकार निसारदीन राजस्थानी शैली मेवाड़ से संबंधित हैं। निसारदीन ने 1605 में चावर्ण्य में रागमाला के चित्रों को चित्रित किया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो चावर्ण्य रागमाला है ये मेवाड़ का प्रसिद्ध रागमाला माना जाता है। इसी पे क्वेश्चन है कि राजस्थानी शैली की सबसे प्राचीन रागमाला कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन रागमाला मानी जाती है बूंदी की चुनार रागमाला। और उसके बाद की अगर हम रागमाला की बात करें तो चुनार रागमाला के बाद जो रागमाला आती है वो है चावर्ण्य रागमाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मेवाड़ शैली के कलाकारों में साहब दीन ने भागवत पुराण 1648 में चित्रित किया। इसके चार स्कंद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित रामायण है जो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, रामायण की दूसरी प्रति सरस्वती भंडार उदयपुर में है। यह प्रति 1651 ईस्वी में चित्तौड़ में लिखी गई थी और यही भी चित्रित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकार साहब दीन और मनोहर ने मेवाड़ कला को मौलिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचित्र ग्रंथ चौर पंचासिका किस शैली का है? ऑप्शन है आरंभिक मेवाड़ शैली, परवर्ती मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्कन शैली। राइट आंसर है ए, आरंभिक मेवाड़ शैली। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो आरंभिक मेवाड़ शैली का उजला रूप हमें 1540 ईस्वी का विल्हड़ कृति यानी विल्हड़ की कृति चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्रों में देखने को मिलता है। इसमें चंपावती विल्हड़ नामक सुंदर चित्र इसका उदाहरण है और यह ग्रंथ प्रतापगढ़ में चित्रित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, डगलस बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चौर पंचासिका का उद्गम मेवाड़ से माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र 1418 ईस्वी का है जो सोमेश्वर ग्राम मेवाड़ में चित्रित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित जैन ग्रंथ सुपाशनाचरियम जिसे हम कहते हैं सुपाशनाचरितम में मिलता है और इसका रचना काल है 1423 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं? ऑप्शन है वास्तुकला, कास्ट मूर्ति, ब्लू पोटरी, फोटोग्राफी। राइट आंसर है सी, ब्लू पोटरी। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया था। कृपाल सिंह शेखावत का ब्लू पोटरी यानी नीली पोटरी से वर्तमान में कृपाल सिंह ब्लू पोटरी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और जयपुर नीली पोटरी के लिए जाना जाता है जिसे ब्लू पोटरी भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में सवई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में नीली पोटरी से संबंधित शिल्प कला को जागृत करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कृपाल सिंह शेखावत 1948 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक शांति निकेतन में कला शिक्षक रहे और शेखावत को वर्ष 1974 ईस्वी में पद्मश्री तथा 2002 में शिल्प गुरु सम्मान प्रदान किया गया। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो कृपाल सिंह शेखावत हैं इनको 1974 में पद्मश्री और 2002 में शिल्प गुरु सम्मान से प्रदान किया गया। कृपाल सिंह शेखावत 1997 से 1999 ईस्वी तक राजस्थान के ललित कला अकेडमी के चेयरमैन पद पर भी कार्य किया और कृपाल सिंह शेखावत ने चित्रकला एवं रेखा कला की शिक्षा भूधर सिंह शेखावत से लखनऊ में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा शैली, मुगल शैली।
राइट आंसर है बी किशनगढ़ शैली, बी इज द राइट आंसर। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने की थी। और निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। निहाल चंद्र राजा सावन सिंह का दरबारी चित्रकार था। किशनगढ़ शैली की चित्रकला राजा सावन सिंह के समय प्रसिद्ध हुई और किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक राजा सावन सिंह माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, निहाल चंद द्वारा रचित बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। बनी ठनी चित्र को भारत का मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है बनी ठनी क्या है, तो ये भारत का मोनालिसा है। और ये बनी ठनी 18वीं शताब्दी का बनाया गया है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक फयाज अली खां हैं। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद्र, भवानी दास और सूरत राम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृति के रंग, अजंता की चित्रकला के समान, प्राकृतिक परिदृश्य। राइट आंसर है डी प्राकृतिक परिदृश्य, डी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक परिदृश्य बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन है प्राकृतिक परिदृश्य। नेक्स्ट पॉइंट है, बूंदी राज्य की स्थापना 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने की थी। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी। बूंदी शैली के में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य। नेक्स्ट है, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष बूंदी शैली में चित्रण किया गया है। और बूंदी शैली की चित्रकारों का प्रिय विषय है रात्रि का दृश्य। फिर हम बूंदी शैली कुछ कलाकारों की बात करें, तो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा, जिसे कहते हैं बनी ठनी, को चित्रित किया है शाहबुद्दीन ने, निहाल चंद ने, नूरुद्दीन ने, नैनसुख ने। राइट आंसर है बी निहाल चंद ने। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद हैं। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है। और किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली है। नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगढ़ शैली की खोज एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया 3 व्यक्तियों ने। प्रथम है कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी सावन सिंह। द्वितीय है महाराजा सावन सिंह की प्रिया बनी ठनी। तृतीय है चित्रकार मोर ध्वज और निहाल चंद ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बनी ठनी नामक चित्र में बनी ठनी को साड़ी पहने चित्रित किया गया है। और किशनगढ़ शैली के चित्रों में रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वरूप भी किया गया। और किशनगढ़ शैली का सबसे प्रमुख विशेषता है नारी का सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हम सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है। ऑप्शन है शेख सदी द्वारा रचित बुस्ता, माधोदास द्वारा रचित रागमाला, विल्हर द्वारा रचित चौर पंचाशिका, केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया। राइट आंसर है सी विल्हर द्वारा रचित चौर पंचाशिका। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी सबसे प्रसिद्ध और सर्वप्रथम मानी जाती है, तो विल्हर द्वारा रचित चौर पंचाशिका। राजस्थानी लघु चित्र शैली से सादृश्य मूलक रूप सर्वप्रथम विल्हर द्वारा रचित चौर पंचाशिका की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। राजस्थानी नवीन शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 में चित्रित बसंत विलास है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुबन की मृगवती, विल्हड़ की चौर पंचाशिका,
मुल्ला दाऊद के लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्र शैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर मोती चंद ने मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी की चित्रकला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण विशेष महत्व दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहे राजस्थानी शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs और साथ ही साथ उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करते चलें। और फ्रेंड्स, जो मैं इस वीडियो में नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितनी भी मेरी वीडियो फाइन आर्ट से संबंधित मैंने डाल रखी है उस सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।